हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जोन। इस वीडियो में मैं आपसे राजस्थान के जून जुलाई के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। जल्द ही हमारी और भी वीडियो आने वाली है। हमारी नई वीडियोस की अपडेट पाने के लिए स्टडी जोन को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल का बटन जरूर दबाएं, ताकि हमारी नई वीडियो अपलोड होते ही आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। आपका पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार द्वारा कितने शैक्षणिक संस्थानों को उत्कृष्ट संस्थान की श्रेणी में शामिल किया गया है? तो इसमें आंसर आएगा 6 संस्थानों को। इनमें से 3 सार्वजनिक सेक्टर के हैं और 3 संस्थान निजी सेक्टर के हैं। सार्वजनिक सेक्टर के जो संस्थान वे हैं, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु कर्नाटक, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मुंबई महाराष्ट्र और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, और निजी सेक्टर जियो इंस्टीट्यूट पुणे ग्रीनफील्ड श्रेणी के तहत बिड़ला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस पिलानी राजस्थान और मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन मणिपाल कर्नाटक। और नेक्स्ट है, इस योजना के तहत उत्कृष्ट संस्थान के रूप में चयनित प्रत्येक सार्वजनिक संस्थान को 5 वर्षों की अवधि में 1,000 करोड़ रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस ऐतिहासिक निर्णय से चयनित संस्थानों को विश्व स्तरीय शैक्षणिक संस्थान बनने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजय परार अभ्यास भारत के किस राज्य में किया गया? तो इसमें आंसर आएगा, यह अभ्यास भारत के राजस्थान राज्य में किया गया और भारतीय सेना के दक्षिण पश्चिम कमान के 20,000 सैनिक राजस्थान के सूरतगढ़ के पास विजय परार अभ्यास में इन्होंने भाग लिया। और इस अभ्यास का उद्देश्य भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना के सैनिकों के बीच संयुक्तकरण को सुदृढ़ करना और संयुक्त संचालन के प्रभाव को अधिकतम करना है। यह अभ्यास लड़ने वाले उपकरणों और सशस्त्र हेलीकॉप्टरों के साथ नकली हमलों को करके युद्ध क्षमताओं का परीक्षण करने पर जोर देता है। और अप्रैल 2018 में भारतीय वायुसेना ने गगन शक्ति 2018 का आयोजन किया, जो भारत पाकिस्तान और भारत चीन सीमाओं पर सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान संस्थान ने कौन सी नई भेड़ गर्भधारण तकनीक बनाई है? तो इसमें आंसर आएगा, राजस्थान के केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने भेड़ों के लिए एक नई लेप्रोस्कोप सहायक गर्भधारण तकनीक बनाई है। तकनीक में एक छोटी चीरे के माध्यम से पेट में एक कठोर फाइबर ऑप्टिक लेप्रोस्कोप डालना शामिल है। प्रजनन प्रणाली को कैमरे के माध्यम से देखा जाएगा और जमे हुए वीर्य को गर्भाशय में जमा किया जाएगा। केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने दावा किया कि इस नई तकनीक से 60% तक भेड़ों के बच्चे को जीवित रखने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा बैंक हरियाणा और राजस्थान के किसानों के साथ अपनी आजीविका और जल सुरक्षा कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी पहल के तहत एक क्षमता निर्माण परियोजना शुरू करेगा? तो इसमें आंसर आएगा, यस बैंक। और कार्यक्रम का मुख्य ध्यान टिकाऊ कृषि प्रथाओं और डिजिटल साक्षरता पर है और इसका उद्देश्य किसानों के वित्त में सुधार, डिजिटल बैंकिंग संसाधनों का प्रभावी उपयोग और अच्छे कृषि प्रथाओं को बेहतर बनाना है। और कार्यक्रम इस साल हरियाणा और राजस्थान में लॉन्च किया जाएगा। और नेक्स्ट है, प्रारंभ में यह 15 जिलों में, हरियाणा के 8 जिलों में और राजस्थान के 7 जिलों में लॉन्च किया जाएगा। अगर आप हरियाणा का एग्जाम कंडक्ट करते हैं तो यह पूछा जा सकता है कि यह प्रोग्राम हरियाणा के कितने जिलों में लॉन्च किया जाएगा, तो आपका आंसर होगा 8 जिलों में। अगर आपसे पूछा जाए कि यह राजस्थान के कितने जिलों में लॉन्च किया जाएगा, तो आपका आंसर होगा 7 जिलों में, और टोटल यह 15 जिलों में लॉन्च किया जाएगा और इससे 10,900 किसानों को फायदा होगा। किसानों को प्रशिक्षित करने के लिए डिजिटल पद्धति का उपयोग किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राजस्थान में कौन सी कल्याणकारी योजनाएं शुरू की? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 13 और 14 मई 2018 को राजस्थान की आधिकारिक यात्रा पर थे और यह राष्ट्रपति कोविंद की देश के प्रमुख के रूप में राजस्थान की पहली यात्रा थी। और 13 मई 2018 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राजस्थान राज्य सरकार की भैरव सिंह शेखावत अंत्योदय स्वरोजगार योजना, सुंदर सिंह भंडारी EBC यानी आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग स्वरोजगार योजना और ऋण माफी योजना शुरू की। तो आपसे इन योजनाओं के नाम देकर भी पूछे जा सकते हैं कि ये योजनाएं किसके द्वारा शुरू की गई, जिसमें आपके
सीएम का नाम हो सकता है, राज्यपाल का नाम हो सकता है, राष्ट्रपति का नाम हो सकता है और प्रधानमंत्री का नाम हो सकता है। तो आपका आंसर रहेगा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा ये योजनाएं स्टार्ट की गई। इसमें सबसे पहले आता है भैरव सिंह शेखावत अंत्योदय स्वरोजगार योजना, और स्वरोजगार के लिए अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति यानी एससी एसटी और ओबीसी के लिए परिवारों को 4% ब्याज पर 50,000 रुपये तक का ऋण दिया जाएगा। नेक्स्ट है सुंदर सिंह भंडारी ईबीसी आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग स्वरोजगार योजना, इसके तहत सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से पिछड़े परिवारों को 4% ब्याज पर 50,000 रुपये का ऋण दिया जाएगा। और नेक्स्ट है ऋण माफी योजना, एससी एसटी ओबीसी स्वीपर और दिव्यांग को 50,000 रुपये तक की ऋण की छूट की ये योजना है। तो आपको ये सभी योजनाओं याद रखनी है और कितने रुपये दिए जाएंगे, कितने ब्याज पर दिए जाएंगे और ऋण माफी में कितने रुपये की छूट दी जाएगी, आपको ये सभी याद रखने हैं। और कौन सी योजना किस जाति के लिए शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कितने रुपए से अधिक मूल्य के माल के राज्यांतरिक संचलन के लिए ई वे बिल सिस्टम शुरू किया जाएगा। तो इसमें आंसर आएगा 50,000 रुपये से अधिक मूल्य के माल के लिए, और यह बिल सिस्टम 16 मई 2018 से असम में और 20 मई 2018 से राजस्थान में शुरू किया जाएगा। एक राज्य से दूसरे राज्य में 50,000 रुपये से अधिक के सामानों को स्थानांतरित करने के लिए ई वे बिल सिस्टम 1 अप्रैल 2018 से पहले ही लॉन्च किया जा चुका है। राज्यांतरित संचलन को चरणबद्ध तरीके से शुरू किया गया है और गुजरात उत्तर प्रदेश बिहार समेत 18 राज्यों ने माल के राज्यांतरित संचलन के लिए ई वे बिल को अनिवार्य कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा राजस्थान सरकार को कितने करोड़ रुपए के कृषि ऋण माफी को मंजूरी मिली है। तो इसमें आंसर आएगा 5,000 करोड़ रुपए के, और इसका उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को ऋण से छुटकारा दिलाने में मदद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह राजस्थानी जिला जहां भारतीय रेलवे द्वारा हमसफर नामक एक्सप्रेस ट्रेन सेवा का शुभारंभ किया गया है। तो इसमें आंसर आएगा जोधपुर। भारतीय रेलवे द्वारा जोधपुर से बांद्रा के लिए हमसफर नामक एक्सप्रेस ट्रेन सेवा का शुभारंभ किया गया है, और ट्रेन की मुख्य विशेषताएं हैं एलईडी स्क्रीन डिस्प्ले, वेडिंग मशीन, बायो शौचालय, धूम्रपान अलार्म और सीसीटीवी कैमरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान जो राजस्थान में सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन को सुदृढ़ बनाने हेतु वित्तीय सहयोग प्रदान करेगा। तो इसमें आंसर आएगा विश्व बैंक। केंद्र सरकार ने राजस्थान में सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन को सुदृढ़ बनाने के लिए विश्व बैंक से 21.7 मिलियन अमेरिकी डॉलर के आईबीआरडी क्रेडिट के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, और इस परियोजना में टोटल 31 मिलियन अमेरिकी डॉलर लगेंगे, जिसमें से 21.7 मिलियन अमेरिकी डॉलर विश्व बैंक द्वारा दिए जाएंगे और शेष राशि राज्य के बजट द्वारा ली जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान ने रोग निगरानी के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर लॉन्च किया। तो इसमें आंसर आएगा निदान सॉफ्टवेयर। यह मौसमी और गैर संक्रमणीय बीमारियों और विशिष्ट क्षेत्रों में पाए जाने वाले बीमारियों के रुझानों की निगरानी करेगा। इसका उद्देश्य सरकार में टेलीमेडिसिन सेवा को मजबूत करना, यह अस्पतालों और बीमारियों के नियंत्रण के लिए कार्य योजना तैयार करने में मदद करेगा, और कार्यक्रम के नियंत्रण निगरानी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत की जाएगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन 2013 में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन को एक करके शुरू किया गया था, और इसे मार्च 2020 तक जारी रखने के लिए मार्च 2018 में आगे बढ़ाया गया। इसमें जननी सुरक्षा योजना, टीबी आदि का उन्मूलन जैसी कई पहल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान की अनुसूची जिसके अंतर्गत राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्रों को शामिल किया जाएगा। तो इसमें आंसर आएगा 5वीं अनुसूची, और इस अनुसूची में राजस्थान के बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ तथा उदयपुर के आंशिक क्षेत्रों, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, पाली तथा सिरोही जिलों के अनुसूचित जनजाति के लोगों को लाभ प्राप्त होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह शहर जहां राजस्थान के प्रथम फूड पार्क की स्थापना की जाएगी, तो इसमें आंसर आएगा अजमेर में। राजस्थान के प्रथम फूड पार्क का शिलान्यास अजमेर के रूपनगढ़ गांव में किया गया है। यह फूड पार्क 113.57 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। राजस्थान सरसों, गवार बीज, धनिया, मूंगफली, सौंफ, सोयाबीन, अनाज और तिलहन के उत्पादन में अग्रणी राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में परीक्षण किए गए सभी जल कुओं के लगभग एक तिहाई में क्या पाया गया है जो विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूएस पर्यावरण संरक्षण एजेंसी के सुरक्षित पेयजल मानकों से अधिक है? तो इसमें आंसर आएगा, राजस्थान के लगभग एक तिहाई कुओं में यूरेनियम पाया गया है, और यूरेनियम लगभग भारत के 16 राज्यों के ग्राउंड वाटर में पाया गया है। वैसे तो यूरेनियम का मुख्य स्रोत प्राकृतिक होता है, लेकिन मानव कारक जैसे ग्राउंड वाटर में कमी, कृषि सिंचाई और नाइट्रेट प्रदूषण इसे और खराब कर देता है, और पीने के पानी में यूरेनियम की मिलावट गुर्दे की बीमारी का कारण बन सकता है। और राजस्थान, गुजरात और 14 अन्य भारतीय राज्यों के ग्राउंड वाटर में इसी तरह के आंकड़े सामने आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? तो इसमें आंसर आएगा, यह दिवस 17 जून को मनाया जाता है। मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए और अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों के बारे में जन जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए हर साल विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस 17 जून को मनाया जाता है। और विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस 2018 का विषय है भूमि का वास्तविक मूल्य, इसमें निवेश करें या लैंड हैज ट्रू वैल्यू इन्वेस्ट इन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले आपदा जोखिम सूचकांक में सबसे उच्च जोखिम वाला केंद्र शासित प्रदेश और राज्य कौन सा है? तो अगर आपसे केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाए तो आपका आंसर होगा दिल्ली, और राज्य में है महाराष्ट्र। अगर आपसे पूछा जाए कि जोखिम सूचकांक में राजस्थान का कौन सा स्थान है, तो आपका आंसर होगा पांचवा स्थान है। सबसे पहले स्थान पर है महाराष्ट्र, उसके बाद पश्चिम बंगाल, फिर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान का पांचवा स्थान है। 52वें स्कॉच शिखर सम्मेलन में किस राज्य के मुख्यमंत्री को चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो इसमें आंसर आएगा, राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को। मुख्यमंत्री राजे को यह पुरस्कार ई गवर्नेंस में अभूतपूर्व काम करने के लिए एक निजी संस्था ने नई दिल्ली में आयोजित 52वें स्कॉच शिखर सम्मेलन में दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2018 को मनाया गया, इस वर्ष के योग दिवस की थीम क्या थी? तो इसमें आंसर आएगा, इस वर्ष के योग दिवस की थीम थी योग फॉर पीस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2018 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर एक ही समय में एक स्थान पर योग करने वाले लोगों की सबसे बड़ी संख्या के लिए किस शहर ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? तो इसमें आंसर आएगा, कोटा ने। कोटा में राज्य स्तरीय योग समारोह में लगभग 1,60,000 लोगों ने 21 जून को एक ही समय में एक स्थान पर योग किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्नपूर्णा दूध योजना निम्नलिखित राज्य में से कहाँ शुरू की गई? तो इसमें आंसर आएगा, यह योजना राजस्थान के सरकारी स्कूलों में 2 जुलाई से 8वीं क्लास तक पढ़ने वाले सभी बच्चों को सप्ताह में 3 दिन गर्म दूध पिलाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि गिरफ्तारी ज्ञापन में जाति का उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए? तो इसमें आंसर आएगा, राजस्थान सरकार ने, क्योंकि किसी व्यक्ति की पहचान माता पिता द्वारा जानी जाती है, न कि किसी जाति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बिजली मित्र नामक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो इसमें आंसर आएगा, राजस्थान सरकार ने। और बिजली मित्र मोबाइल एप्लीकेशन पर शिकायत करने के 6 घंटे के अंदर किसानों के खराब ट्रांसफार्मर बदल दिए जाएंगे। फिलहाल इस योजना की शुरुआत पायलट प्रोजेक्ट के रूप में झालावाड़ जिले से की जा रही है, और राजस्थान की मुख्यमंत्री है वसुंधरा राजे। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।
आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए, और इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा लाइक और शेयर करें, और साथ ही आप हमारे चैनल स्टडी जोन को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी नई वीडियो अपलोड होते ही आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। अब आप हमें फेसबुक लिंक पर भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इस लिंक पर जाकर आप हमारी नई वीडियोज़ की अपडेट पा सकते हैं।